नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स यानी दोस्तों भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है खगोलीय इकाई। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर ए, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को दोस्तों खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा अनंत होती है। ठीक है, रॉकेट के गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, संवेग का संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा ग्रेफाइट का। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर है एस्बेस्टस। अगला प्रश्न है दोस्तों सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, प्रकाश प्रकीर्णन के। अगला प्रश्न है दोस्तों दहली आवृत कैसी आवृत होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, दोस्तों प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, हीलियम नहीं है। ठीक है, यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छोरों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक सामान्य त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, परवलयी वक्र का आकार लेगा। ठीक है, डोलती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए इसका आंसर। दोस्तों मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है, समय चाल दूरी दोस्तों ये तीनों अदिश राशि है। ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस ऋषि थी, बताइए इसका आंसर। दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, नरेंद्र कपानी ने। अगला प्रश्न है अत्यधिक ऊंचे ताप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी का। ठीक है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जल का शुद्धतम रूप क्या है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वर्षा का जल। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रघटना का निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्रुवीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से पनीर किसका उदाहरण है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, जेल का उदाहरण है।